भीषण गर्मी के बीच हम देखते हैं कि आग लगने की जो घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आती रहती है अलग अलग राज्य से। जी हाँ, कहाँ कहाँ पर आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है और आग लगने के पीछे की वजह क्या रही, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। झुलसा देने वाली गर्मी में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आग कहर बरपा रही है। इन तीन तस्वीरों को देखकर आग से नुकसान का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां सिकंदराबाद इलाके में स्थित एक मेडिसिन की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर फाइटर्स की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर 4 घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। आग से लाखों के नुकसान की खबर है, हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो सका है। वहीं पहाड़ों पर भी आग की विनाश लीला जारी है। तस्वीरें उधमपुर की है, जहां पिछले 15 दिनों से आग का तांडव जारी है। हजारों हेक्टेयर वन संपदा खाक हो चुकी है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। धधकते पहाड़ और उठता धुआं स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अब पीछे हमने देखा था कि छोटे छोटे पौधे, मतलब हजारों की तादाद में, मतलब ग्रीन जो ट्री है हमारे, वो खत्म हो गए हैं। आप देख लो कि इधर से सामने जो आधा किलोमीटर दूर घर हैं, बोनी दिख रहे हैं, इतना धुआं है और बुरी हालत है, पूरा अंधेरा जैसा दिख रहा है। अभी 9 बज रहे हैं और अभी ऐसा लगता है कि अभी मतलब शाम का टाइम है, जैसे अंधेरा होने वाला है। तो मैं जो आपको बताऊँ कि 15 दिन से ये ऐसा हो रहा है। भोपाल में भी आग का कहर देखने को मिला। आग शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी। बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स के पास प्रदेश बीजेपी का कार्यालय भी है। आग लगने की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लपटें तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी। दुकान से काला धुआं निकलने लगा। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आग की खबर सामने आई। भीषण गर्मी से लोहे के कारखाने में भीषण आग लग गई। खटिया गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया।